हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूं कि आज आप लोग रेडी है। आज हमारा पहला चैप्टर है इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है टेंस की। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जब तक आप टेंस को समझ नहीं पाओगे, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तब तक उसका अंडरस्टैंडिंग हमारे पास कमजोर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम टेंस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, जैसे गुजराती में या हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में या संस्कृत में या तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में हम कुछ बोलते हैं। मैं आपके सामने हिंदी में एक सेंटेंस रख रहा हूं, कल मैं आपके घर आऊंगा। अब कल का मतलब यह हुआ कि आने वाला कल, उसकी जगह बीत गया हुआ कल की मैं बात करता हूं तो आऊंगा शब्द उसके साथ सेट नहीं होगा। तो ये जो भाषा है उसको समझने के लिए टेंस फॉर्म बनाए गए हैं और उस टेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपके सामने बोर्ड पे सभी टेंसेस के नाम लिख रहा हूं, आप जरा उसको गौर से समझ लीजिए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए। अब ये तीनों टेंसेस के इंडिविजुअली चार चार पार्ट पढ़ते हैं, जिसको हमें इंडिविजुअली सीखना पड़ेगा। अब ये चार टेंस ये तीनों फॉर्म के साथ जब हम मिलाते हैं तो टोटल हमें 12 टेंसेस मिलते हैं। अब ये 12 टेंसेस अगर हमने ठीक तरह से समझ लिए, उसको हमने ठीक तरह से तैयार कर लिए, तो हमारे लिए मोर देन 50% नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाता है। बाकी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आपको मैं धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा। हम आज शुरू कर रहे हैं इसमें से सबसे पहले टू बी का फॉर्म। एक टू बी नाम का जो फॉर्म है, जिसको होना, बनना ये हम बोलते हैं। ये टू बी के फॉर्म को हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं सीखने का, तो ये टू बी का फॉर्म भी ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। और इस फॉर्म को तैयार करना पड़ेगा, इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे लिए कि अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो उस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को टू बी के किस फॉर्म में कैसे यूज किया जाना चाहिए, उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये जो टू बी है उसके प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? उसके अंदर आता है आई,
एम और आर। उसके पास्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं उसमें आता है वॉज एंड वर। उसके फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं उसमें आता है विल बी एंड शेल बी। याद रखना विल और शेल अकेले नहीं आते हैं, विल बी और शेल बी ये साथ में लिया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले वाले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो बनेगा वो टॉपिक ऐसा बनेगा कि टू बी इन प्रेजेंट टेंस। हम बात करते हैं टू बी इन प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर भी इंडिविजुअली हम लोग चार तरह के फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लेआउट सीखेंगे। पहला वाला है सिंपल सेंटेंस जिसको हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा आएगा नेगेटिव, तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव, और लास्ट में चौथा जिसको हम लोगों ने नाम दिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये चारों टाइप के जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो सेंटेंसेस के फोर टाइप्स में हम लोग टू बी के प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। और ये यूज करने के लिए हमें एकवचन और बहुवचन जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो मैं बात करता हूं दो पार्ट में, एक होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म, एक होता है हमारा प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर मीन्स जो बोलने वाला है। तो सिंगुलर फॉर्म में बोलने वाला कौन होगा उसको हम आई कहते हैं, जिसको हिंदी में हम मैं बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म में उसका क्या होगा तो वी हो जाता है, जिसको हम बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो होता है लिसनर। लिसनर उसे बोलते हैं जो सामने वाले स्पीकर को सुनता है। अब सुनने वाला एक होता है तो उसको हम यू बोलते हैं, एक से ज्यादा होता है तो भी हम उसको यू बोलते हैं। यू का मतलब होता है आप, एक से ज्यादा होता है तो भी हम लोग आपका यूज करते हैं। उसी तरह जो थर्ड पर्सन है वो होता है फॉर हुम वी से, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम, एक होता है ही, दूसरा होता है शी एंड तीसरा होता है इट। इसको हिंदी में बोलते हैं वे, इसको भी हिंदी में बोलते हैं वे, इसको हिंदी में बोलते हैं ये। अब इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है धे, यानी
वे सब, एक से ज्यादा होते उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। हमें ये सीखना है कि टू बी के प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से फॉर्म थे। मैंने पहले बार आगे जब लिखा, अगर आपको याद है तो टू बी के प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है एम, इज एंड आर। ये तीनों में से कौन सा फॉर्म किसके साथ लगेगा, ये हमें सीखना है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ये सेंटेंस खत्म हो गया, एक सेंटेंस बन जाता है। इंग्लिश में दो वर्ड का सेंटेंस होता है, मैं हूं, वी आर, हम हैं, यू आर, आप हैं। हमें फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है, यू आर, आप हैं, ही इज आएगा, वे है आएगा, शी इज आएगा, वे है आएगा और इट इज आएगा। ये तीनों में इज आता है कॉमनली, ही सी इट में तीनों में इज आएगा, ये है आएगा और धे के साथ आर आता है, ये सब है आएगा। अब ये जो हमने, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन, ये हमारा पहले नंबर का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम एसर्टिव फॉर्म का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो टू बी का प्रेजेंट टेंस का एसर्टिव फॉर्म का फॉर्मेशन क्या है, अगर ये पूछा जाए तो हमें बाय हार्ट करना है I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are। मैं हूं, हम है, आप है, आप है, वे है, वे है, ये है, वे सब है। ये जो फॉर्मेशन बना, इसका यूज करते हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। अगर मेरा नाम समीर है तो मैं जो सेंटेंस बनाऊंगा वो ये बनेगा, आई एम समीर, मैं समीर हूं। इंग्लिश भाषा में जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं ये टू बी के फॉर्म के बाद हम लोग यूज करते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू बी का फॉर्म एंड देन प्रेडिकेट्स आते हैं। सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स को हम अलग करते हैं जो बाकी के शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में मैं के बाद बीच में वो शब्द हमें यूज करना है, ये भूलना नहीं है। यानी आई एम समीर, मैं समीर हूं, ये बीच में आता है। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इंसान शब्द को बीच में यूज करते हैं। उसके बाद आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, ये है शब्द पीछे चला जाता है, मेरे दोस्त बीच में आता है। अब ये जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं, आपको ऐसे 10 सेंटेंसेस खुद हिंदी में बनाने हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। साथ में मैं अगर आपको ये बोलूं कि याद करो फॉर्मेशन नंबर 1 क्या है, तो आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, हिज़, इट इज़, दे आर, ये आपको याद करना है। आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, हिज़, इट इज़, दे आर, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं मैं हूं, हम है, आप है, आप है, ये है, वो है, ये सब है। ये जब आप बोलेंगे, बाय हार्ट करेंगे, अगर किसी के साथ बातचीत करते हो, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम ए स्टूडेंट, अपने आप निकल जाएगा, आई के साथ एम वर्ड का ही यूज होगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में हम लोगों ने टू बी का प्रेजेंट टेंस को एसर्टिव फॉर्म में सीखा है। तो ये हमारा पहला चैप्टर का नाम था टू बी इन एसर्टिव इन प्रेजेंट टेंस।